तो हेलो दोस्तों, तो आज जो मेरा जो फिशेस का जो पैलेट्स है उसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर रहा था। तो देखिए, इसको अच्छी तरीके से मैं ग्राइंड कर ले रहा था कि जो फिशेस है उसको खाने में आसानी हो। तो देखिए इसको दे रहे हैं, कितना मजे तरीके से ये लोग खा रहे हैं। तो इन लोगों को मैं ऐसे फीडिंग लेते हुए देख रहा था, तो अचानक मेरा दिमाग भी ख्याल आया, क्यों ना मैं क्रैकर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ, क्यों ना मैं करूँ। तो चलो चलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, और एक बार स्वागत है सभी लोगों का मेरे चैनल रेसलिंग एक्सपेरिमेंट पे। तो एक नया एक्सपेरिमेंट दोस्तों लेके आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही बोल देते हैं, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन लेके करते हैं। आप लोग ऐसा कभी घर पे या कहीं भी कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग जो कर सकते हैं रेसलिंग एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में ऐसे मजेदार एक्सपेरिमेंट का वीडियो आए तो कभी मिस ना हो। तो वीडियो का थंबनेल, इंट्रो और टाइटल लेके आप समझ ही गया होगा कि हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हाँ, आज हम लोग बहुत ज़्यादा क्रैकर्स जलाने वाले, हाँ डिफरेंट वैरायटीज का क्रैकर्स जलाने वाले और देखेंगे कौन सा क्रैकर्स कैसा फटता है। तो चलो चलते हैं वीडियो का मेन टॉपिक पे, वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट पे। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्रैकर्स है, जो ये स्काई शॉर्ट्स है, इसका नाम है बुगट्टी। तो देखिए कैसा एक बहुत ही बड़ा एक स्काई शॉर्ट है, रेड कलर का पैकेट है। तो देखिए एक फीट साइज है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बुगट्टी, और नेक्स्ट हमारे पास है देखिए रोल्स रॉयल्स वाला स्काई शॉट। तो देखिए इसका जो पैकेट है वो येलो है। तो देखिए दोनों जो स्काई शॉट है वो लगभग सेम हाइट का ही है, एक का नाम है रोल्स रॉयल्स और दूसरे का नाम है बुगट्टी। दोनों ही कार ब्रांड का नाम से इसको नेमिंग किया है। तो देखते हैं आसमान में जाके ये कैसा फटता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बड़ा सा कार्निवल। तो ये जो स्काई शॉट है ये एक बार दो बार नहीं, लगातार 60 टाइम्स ऊपर जाके फटेगा। तो देखिए ये है रोल्स रॉयल्स येलो पैकेट में। देखिए ये जो लाते टाइम इसका जो ढक्कन ये खोल गया है, देखिए सेलो टेप ऐसे खोल गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे इसको जला नहीं वाले, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है बुगट्टी, ये है रेड कलर में देखिए। अच्छा, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर किया है उसका नाम ये बुगट्टी रखे। तो देखिए आसमान में जाके क्या कार ये बनता है या कुछ भी होता है, तो सब आज देखेंगे। तो ये है बुगट्टी वाला स्काई शॉट्स, इसको रखते पीछे। तो देखिए ये लगभग एक फीट का है, देखिए मेरा हाथ लगभग एक फीट का ही है, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ एकदम एक्यूरेट नहीं, मगर ऊपर नीचे थोड़ा होगा। और ये है बड़ा वाला है कार्निवल। तो ये एक बार दो बार नहीं, लगातार 60 टाइम्स ऊपर जाके फटेगा और बहुत सुंदर पैटर्न बनाएगा आसमान में। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा है इसका, यहाँ पे लिखा है कार्निवल 60। ऐसे ही हम पता चला ये 60 टाइम्स जाके फटेगा, और देखते हैं कैसा फटता है 60 टाइम, एक ही पैटर्न में फटेगा या दूसरे पैटर्न में, दूसरे कलर में, तो सब कुछ देखेंगे। तो चलो चलते इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो चाकू लेके आ गए हैं, तो सब कुछ काट डालेंगे आज। तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, पैकेट ही काटेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स रॉयल्स को अनबॉक्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से कटा था। तो देखिए कुछ ऐसा है अंदर से देखने में, रेड कलर का ऐसे पैकेट्स इस पे दिया हुआ है, और उस पर स्पाइडरमैन के पिक्चर लगाया हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसा है, और नीचे देखिए गोबर लगा है लगता है, मतलब कुछ भी और भी हो सकता है। और ये यहाँ पे कवर्ड है, तो देखिए इसका सुतली मुझको नहीं दिख रहा है, देखिए हाँ सुतली इधर है, अंदर से है सुतली, इसको मुझे ऐसे फाड़ना पड़ेगा तभी सुतली निकलेगा। तो सुतली फिलहाल इधर है, तो ऐसा सुतली दिया है इधर, बड़ा ही सुतली है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, रोल्स रॉयस वाला जो पटाखा है कुछ ऐसा है। तो इसमें दो ठो पीस है, तो एक निकाले और इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये भी लगभग सेम ही है, सिर्फ ढक्कन में डिफरेंस है, एक ब्राउन है और एक रेड है। तो चलो बुगट्टी को अब अनबॉक्स करते हैं, इसको काट देते हैं। तो बुगट्टी वाला स्काई शॉट को मैं फिलहाल काट दे रहा हूँ, और ये भी देखिए लगभग सेम ही है। तो इसमें भी देखिए रेड कलर का कवर है, और इसमें भी रेड कलर का कवर है। इसमें भी देखिए स्पाइडरमैन का पिक्चर है, इसमें भी स्पाइडरमैन का पिक्चर है, और दोनों सेम हाइट का है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सेम ही लग रहा है हमको, डिफरेंस होगा तो दिखाएंगे, तो ऊपर जाके जब फटेगा तब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मगर हमको लग नहीं रहा है कोई डिफरेंस होगा। देखिए एकदम पूरा सेम टू सेम है, और दोनों सिर्फ नाम दिया हुआ है, मगर एकदम सेम टू सेम इसका जो बाकी प्रिंटिंग अंदर है वो पूरा एकदम सेम टू सेम है। देखिए ये भी एक रेड और एक ब्राउन, और ये भी एक रेड और एक ब्राउन। तो इस साइड में है रोल्स रॉयस, और इस साइड में है
बुगाटी। तो देखिए लगभग सेम ही है दोनों, इसको पीछे रखते हैं और फिर हम इस बड़ा कार्निवल वाला स्काई शॉट को अनबॉक्स करते हैं। तो फिलहाल आप कार्निवल को इसको ऐसे पलट देते हैं और इसका टेप को काट देते हैं नीचे से और फिर इसको दिखाते हैं अंदर से ये कैसा दिखता है। तो जल्दी से इसको काट लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको काट ले रहे हैं। तो देखिए जस्ट देखिए इसमें ऐसा कवर दिया हुआ है। तो देखिए अंदर जैसे पूरा गोली जैसा लग रहा है, बहुत ही बड़ा है, 62 शॉट्स है इसके अंदर। तो देखिए ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है सामने से। अब देखिए इसको हटा देते हैं प्लास्टिक को, पहले प्लास्टिक नहीं, एक बहुत ही थीन एक पेपर है। तो देखिए यहाँ पे पूरा 62 शॉट्स है, ये छोटा 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 सब शॉट्स है। हमको लग नहीं रहा ऊपर जाकर सब फटेगा, दो एक तो मिस होगा ही। तो जब इसमें आग लगाएंगे तभी सब कुछ पता चलेगा कितना क्या फटता है, कौन मिस होता है, क्या कुछ होता है, सब बाद में पता चलेगा जब इसमें आग लगाएंगे। तो सूरज तो फिलहाल चला गया है और रात होने का ऐसे इंतज़ार करते देखते हैं कब तक ये रात होता है। उसके बाद इन सबको हम जलाएंगे एक के बाद एक, सबको टेस्ट करेंगे क्या कुछ होता है, कैसे ये फटता है, सब कुछ आज देखेंगे। तो देखते कितना 62 शॉट्स ही फटता है या नहीं, क्या कुछ होता है और बुगाटी कैसा फटता है और रोल्स रॉयस भी कैसे फटता है, गाड़ी निकालते हैं क्या निकलता है, पूरा आज सब कुछ देखेंगे। तो देखिए ये एक ब्राउन है एक रेड है, इसमें भी जो एकदम सेम टू सेम है और इसका जो डिफरेंस है वो भी आज पता चल जाएगा इस वीडियो में रात होने पे कि कैसा फटता है, क्योंकि जब इसमें आग लगेंगे तभी इसमें डिफरेंस हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसमें जितना भी माइन्यूट सा डिफरेंस है वो आपके सामने हम लोग लाएंगे। तो चलो चलते रात में इसको फटाते हैं। तो फिलहाल रात हो चुका है और बुगाटी से स्टार्ट करेंगे। तो बुगाटी को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते, सुबह किए थे, सुबह नहीं शाम को किए थे। तो और एक बार फिर से इसको निकाल लेते और इसका जो पेपर है जो इसको कवर किया हुआ है इसका जो सुतली को उसको अच्छी तरीके से मैं इस काट लूँगा। देखिए इधर कुछ सुतली है तो कैंची की मदद से अच्छी तरीके से मैं इसको काट ले रहा हूँ ताकि मैं सुतली को निकाल सकूँ और उसमें आग लगा सकूँ ताकि ये ऊपर जाके फटे। तो देखिए बड़ा ही सुतली दिया हुआ है और यहाँ पे टेप से ये चिपका हुआ है इसके साथ। तो इसको टेप को भी मैं काट लूँगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से टेप को भी मैं काट ले रहा हूँ, काट दिए। तो इसको फिलहाल आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे ये कैसा फटता है। तो रख देते हैं इसको इधर और आग लगा के भाग जाएंगे, देखेंगे ये कैसा फटता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुगाटी से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते क्या होता है। तो आग लगा दिए फिलहाल, देखते हैं कब फटता है। तो ये फट जा रहा है, फट जा रहा है, फट जा रहा है। ओ देखिए 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 कितना सुंदर हुआ है। तो बुगाटी वाला तो बहुत ही कमाल का फटा है। तो अब रोल्स रॉयस वाला को टेस्ट करेंगे। तो देखो इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, सुबह किए थे फिर से एक बार कर ले रहे आपके सामने। तो रोल्स रॉयस को अब फिलहाल फटाएंगे, ऐसे आग लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पैकेट को काट लेते हैं लेबलिंग को और सुतली को अंदर से बाहर निकालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। तो देखिए सुतली ये भी ऐसे से टेप से जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसको अलग कर लिए और इसको फिलहाल आग लगा देंगे। तो इसको भी बुगाटी का जो जला हुआ शेल है उसके पास जाकर रख देंगे और इसमें आग लगा देंगे। तो आग लगा देते हैं, तो जल गया जल गया, भाग जाते हैं इधर से। तो देखते हैं ये कब फटता है। वाओ वाओ ये भी सेम ही है, सेम ही सेम। तो अब कार्निवल वाला को जलाएंगे। तो देखिए इसको छत पे नहीं, मैं थोड़ा ग्राउंड में लेके आया हूँ और इसमें इधर में इसको जलाऊंगा। तो आग लगा देते हैं फिलहाल, तो भाग जाते हैं, देखते हैं कैसा फटता है।
एक ला वाओ देखिए वाओ देखिए वाओ एक सब देखिए सब उठ गया। अरे भाई देखिए कैसे फट गया। तो देखिए ये जो कार्निवल वाला स्काई शॉट है ये देखिए एक साथ फट गया, एक दो ऐसे ही चक्कर सिंगल फटा उसके बाद एक साथ सब उड़ गया। तो देखिए क्या इसमें आग लग गया है। तो और एक बुगाटी को ट्राई कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए वाओ हाय वाओ ये अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ। तो लास्ट रोल्स रॉयल्स वाला को ट्राई कर लेते हैं, यही लास्ट है स्काई शॉट, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं ये भी कैसे फटता है आसमान में जाके। तो आग लगा दी है फिलहाल, भाग जाते इधर से, तो देखते कैसा फटता है ये। वाह 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 बहुत ऊंचा गया है। सेम ये भी डेड है। तो देखिए ये कार्निवल वाला स्काई शॉट है, देखिए एक साथ सब फट गया था और इसमें आग लग गया है फिलहाल। तो देखिए तीन तो सेम ही था रेड और एक थोड़ा डिफरेंस था बुगाटी और रोल्स रॉयल्स में। तो और ये जो कार्निवल वाला स्काई शॉट था ये बहुत जल्दी फट गया है, एक दो ऐसे नॉर्मल जगह फटा उसके बाद सब धड़ाम धड़ाम एक साथ जगह फट गया। तो देखिए इसमें उसका जैसे आग भी लग गया है, तो इस आग को बुझा देना होगा। नहीं बुझाएंगे तो कोई बात नहीं होगा क्योंकि आसपास कोई सूखा चीज़ नहीं है, मगर सेफ्टी के वजह से मैं इसको बुझा दूंगा पानी देके। तो इसमें पानी डाल देते फिलहाल जल्दी से। तो देखिए इसमें पानी दे दे रहे ताकि इसमें जो आग है वो स्प्रेड ना हो, सेफ्टी रीजन से वजह से हम इसको पानी दे दे रहे। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इंटरटेनमेंट लगा हो, कुछ भी नॉलेजेबल, कुछ भी अगर आपको फील आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट का कंटेंट आपको फ्यूचर में भी देखना हो तो वेटलैंड एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और रुको जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेटलैंड एक्सपेरिमेंट चैनल का फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज का वीडियो फिलहाल इतने रखते हैं, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखना।